मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की खुफिया कैमरे से बनी वीडियो सामने ले आई। जी हां, मरियम नवाज ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक और नासिर बट के दरमियान गुफ्तगू है। जज अरशद मलिक कहते हैं इल्जाम के सबूत हैं ना शवाहिद हैं। जज अरशद मलिक ने कहा नवाज शरीफ को दबाव में सजा दी। अरशद मलिक ने कहा कि मैं परेशान हूं, नवाज शरीफ बेगुनाह हैं। मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि जज अरशद मलिक का कहना है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। जज ने कहा कोई सबूत नहीं कि एक पैसा भी मुल्क से बाहर गया हो, तहकीकात में कोई फैमिली बिजनेस तक गया ही नहीं, वायलेंस से वही आवाज निकलती है जो वो निकलवाना चाहते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पनामा के हंगामे में नया मोड़ आ गया। मुस्लिम लीग नून एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की खुफिया कैमरे की वीडियो के साथ मैदान में आ गई। इदारों के खिलाफ इल्जाम से भरपूर इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में नून लीग की सारी क्यादत मौजूद थी। मरियम नवाज ने बताया कि नवाज शरीफ के चाहने वाले नासिर बट ने वीडियो फराहम की, जिन्हें जज अरशद मलिक ने खुद बुलाया था। अरशद मलिक वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाई थी। जज साहब ने फैसले के बाद इनको ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत करता है, मियाँ साहब के साथ मैंने जुल्म किया। और फिर इन्होंने एक दफ़ा कहा कि मुझे डरावने ख्वाब आने लगे, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, बेगुनाह के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाने वाली वीडियो की आवाज़ कुछ वाजे नहीं थी, इसलिए मरियम नवाज साथ साथ कमेंट्री करती रहीं। उनके मुताबिक जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के केस से मुतालिक मशवरे देते रहे। एफबीआर के फॉर्म से लेकर मींस ऑफ इनकम सोर्सेज को टोटल कवर कर लिया है, मतलब बेसिक चीज फैमिली बिजनेस तक गए ही नहीं। मरियम नवाज ने कहा के जज अरशद मलिक नवाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम को भी हकीकत नहीं समझते। नो एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एनी मनी बाय द अक्यूज्ड मोहम्मद नवाज शरीफ फ्रॉम पाकिस्तान। मरियम नवाज ने दावा किया कि जज अरशद मलिक हुसैन नवाज को बेगुनाह समझते हैं और उन्होंने लंदन फ्लैट से मुतालिक भी अपनी राय दी। बिजनेस वाज सेटल्ड बाय हुसैन इन सऊदी अरेबिया। हाउ ही अर्न दैट मनी, हाउ ही सेटल्ड and established the business, who helped him, या फिर from where he got finances or funds, not determined by GIT. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो मरियम नवाज खूब गर्जी और बरसी, मगर जो ही सवालात की बारी आई तो मरियम नवाज समेत नून लीग की सारी कयादत बैकफुट पर चली गई और सवालों का जवाब दिए बगैर ही चलते बने।